को आपने पढ़ा होगा। आज दिसम गुरु शिव सोरेन के राजनीतिक पिता है, आज गुरु जी जिंदा है, उनको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, वही धरती थी जहां कॉमरेड एकुराज विनोद बिहारी महतो और गुरु जी दिसम गुरु शिव सोरेन, ये धरती थी जयपाल सिंह मुंडा कार्तिक उराव हौरो साहब की। चाईबासा साइड जाइएगा तो हौरो साहब निर्मल दास शैलेंद्र बाबू दिखेंगे, इधर कार्तिक उराव बिरसा भगवान, उससे पहले जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से, ये राज्य की तस्वीर थी जब आंदोलन कोने कोने में गूंज होती थी आंदोलन की। लेकिन आज आंदोलन के बाद संघर्ष के बाद हमें राज तो मिला, लेकिन इस राज में हम हैं कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ, आज हमारी रोजगार का क्या हुआ, आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हुआ? अरे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गिर गई है कि झारखंड का नंबर वन अस्पताल रिम्स हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है, यदि व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो बंद कर दे। तो भाई किस लिए ये राज्य बना है? हमारे लोग दिल्ली कितने लोग जाके इलाज करेंगे, भिलोर जाके कितने लोग इलाज करेंगे, तमिलनाडु जाकर कितने लोग इलाज करेंगे, बताइए क्या व्यवस्था है हमारे राज्य की? शिक्षा की व्यवस्था का वही हाल, स्वास्थ्य की व्यवस्था का वही हाल, रोजगार की व्यवस्था का वही हाल, सीजीएल की परीक्षाओं का वही हाल। आज यहाँ जितने लोग हैं, आपके घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने इसलिए जाते हैं कि आपको एक आशा है, पढ़ के लिख के वो कुछ बनेगा, इन दादाओं की तरह पुलिस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे। लेकिन क्या होता है, 8 साल के बाद परीक्षा होती है, 28 जनवरी 2024 परीक्षा की तारीख होती है, उम्मीद के साथ आंखों में सपना सजा के रांची का लड़का या लड़की जमशेदपुर का सेंटर परीक्षा देने जाता है, जमशेदपुर का सेंटर धनबाद दिया जाता है, वो परीक्षा देने जाता है, कोई बस से, कोई टेम्पो से, कोई किराया लेके, एक नहीं 3-3 गाड़ियों को बदल के सेंटर तक जाता है, एक दिन पहले रात को जाकर खुले आसमान के नीचे तिरपाल ढककर सोता है, जब वो परीक्षा को लिखता है 2 घंटा बाद पता चलता है पेपर लीक हो चुका है। सोचिए क्या दर्द हुआ होगा। वो परीक्षा केवल परीक्षा नहीं थी, उसका सपना था जो आंखों में उसने सजाया था, जिसके लिए उसने 5 साल घर से बाहर बिताया था, जिसके लिए उसने अपने सर के बाल तक झड़ा लिए थे, अपने आंखों में चश्मा तक चढ़ा लिया था, अपना पेट को भी बढ़ा लिया था पढ़ते पढ़ते एक छोटे से कमरे में। 5 साल का वो समय था, माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपने साग सब्जियों को बेचकर पैसा इकट्ठा किया था, अपने जेवर को गिरवी रख के पैसा इकट्ठा किया था, और समझ के देखिए उस पीड़ा को, 4 गाड़ियों को बदला, ट्रेन से उतरा, फिर बस पकड़ा, फिर ऑटो पकड़ा, फिर रिक्शा में बैठ के सेंटर तक गया, और एक दिन पहले रात को खुली आसमान के नीचे वो प्लास्टिक का जो तिरपाल अभी आप देखते हैं, वो प्लास्टिक का तिरपाल आया है, वो प्लास्टिक के तिरपाल को बिछाते हैं, एक तिरपाल को ढक कर सोते हैं, खुला आसमान, खुली धरती, खुला गगन, और आंखों में एक सपना कि कुछ बन के जाना है इस परीक्षा को पास करके। 2 घंटे में परीक्षा कैंसल हो जाती है, अरे ठीक है परीक्षा कैंसल हो गई वो अलग विषय है, परीक्षा फिर से हो जाएगी, 15 दिन के बाद परीक्षा फिर होगी, 30 दिन के बाद परीक्षा फिर होगी, परीक्षा कैंसल हुआ वो विषय नहीं है, परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ 27 लाख में हुआ था ये विषय है। परीक्षा कैंसल हुआ वो विषय नहीं है, परीक्षा फिर दे देंगे 1 महीना के बाद, 6 महीना के बाद परीक्षा दे देंगे, लेकिन ये 27 लाख का जुगाड़ कौन कर देगा पेपर खरीदने के लिए? सिमडेगा के इस अल्बर्ट एक्का के मैदान में कितने माताएं ऐसी हैं, कितने अभिभावक ऐसे हैं, कितने बड़े भाई ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई अपने बच्चों को 27 लाख में पेपर खरीद के देंगे? परीक्षा कैंसल हुआ वो दर्द नहीं था, 27 लाख में पेपर को बेचा गया ये दर्द था कि 27 लाख में हम पेपर खरीद कर कैसे ला के देंगे। ये झारखंड की दुखदाई तस्वीर है, इसीलिए पीड़ा होती है कि गोली किसने खाया, खून की उल्टियां किसने की, बरगद के पेड़ पर किसको फांसी पे लटकाया गया, और आज यहाँ की नौकरियों को, आज यहाँ की खनिज संपदाओं को लूट कौन रहे हैं, ये विषय आज इस विषय को समझना हो। इसलिए एक बार हमें अवसर दीजिए, जो लोग इस राज्य को लूटने के लिए आए हैं उनका स्थान कोयल नदी होगा, उस नदी की बाढ़ में उन्हें बहा दिया जाए, जो हमारे सपनों को बहा रहे हैं, जो हमारे सपनों को डुबा रहे हैं उन्हें भी डुबा दिया जाएगा, बस एक बार अवसर दीजिएगा, जो करप्टेड है उनका कोई स्थान नहीं रहेगा।